नमस्कार, स्वागत आप सभी का। इस वीडियो में आपसे बातचीत होगी एक आलेख को लेकर, और एक आलेख आपको लिखकर भेजना है। यदि आप रखते हैं रुचि मेरे द्वारा बताए गए इन विषयों में तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी माध्यम के कुछ विद्यार्थी कह लीजिए या शिक्षक कह लीजिए या शोधार्थी कह लीजिए, वे मिलकर निकाल रहे हैं एक पुस्तक, और उसमें चाहिए आप सभी का सहयोग, और उसके लिए मांगे गए हैं शोध परख आलेख। तो उसी के विषय में यह सूचना है, ठीक है। हिंदी माध्यम में यह आलेख होंगे, यानी कि हिंदी भाषा में लिखकर आपको ये आलेख एक निश्चित तारीख तक भेजने हैं, एक दिए गए निश्चित पते पर, जिसके संदर्भ में मैं केवल आपको सूचनाएं दे रहा हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी और एक कुछ फोन नंबर मैंने दिए हैं। भविष्य में कोई यदि इन्फॉर्मेशन इस पुस्तक या आलेख के संदर्भ में आपको चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी देनी है, तो उस ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर का आप लोग यूज़ कीजिएगा। मैं उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता हूं, क्योंकि सूचना आई है मेरे पास, मैं केवल आप तक उसको पहुंचा रहा हूं। इस पुस्तक और लेखक से मेरा कोई संबंध नहीं है। एक उपन्यास विथिका नामक आलोचनात्मक पुस्तक निकाली जा रही है। उपन्यास वितिका नामक एक आलोचनात्मक पुस्तक निकाली जा रही है, जो ISBN नंबर के साथ प्रकाशित भी होगी। ISBN नंबर क्या होता है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे और लोगों को भी जानकारी मिल सके। और आलेख जो आपको भेजने हैं, याद रखिएगा, आलेख और लेख और शोध आलेख के फ़र्क क्या हैं, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और इस पुस्तक के लिए आपसे लेख आलेख या शोध आलेख क्या मांगा गया है, वह मैं आपको आगे बताऊंगा। 12 मार्च 2021 की तारीख को नोट कर लीजिए। यह है अंतिम तिथि जब आप अपने लिखे गए अपने बहुमूल्य शब्दों को जब एक विषय में प्रो कर भेजेंगे, उसकी अंतिम तिथि है। फॉन्ट को नोट कर लीजिए। आप इसको 3 फॉन्ट दिए गए हैं संस्थान की तरफ से, जिसमें आप लेख को लिख कर भेज सकते हैं। मंगल फॉन्ट, यूनिकॉड और कृतिदेव 10। कृतिदेव 10 है, यूनिकोड है और मंगल है। इन 3 फॉन्ट में लिखकर यानी टाइप करके आपको भेजना है। एक और चीज़ जो आपको नहीं करनी है, आप अपने लेख को ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने उसको दिए गए विषय पर लेख को 1 कागज़, 2 कागज़, 3 कागज़, 4 कागज़ों पर लिखा और उस कागज़ का फोटो खींच कर आपने उसको ईमेल से भेज दिया। यदि ऐसा करेंगे तो आपका वह आलेख रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, आप जो भी चीज़ टाइप करेंगे उसको PDF में कन्वर्ट करके मत भेजिएगा, वह भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरी चीज़, ज़्यादा कलरफुल, ज़्यादा डिज़ाइन के साथ आलेख को मत भेजिएगा। स्वीकार तो हो जाएगा, लेकिन बहुत नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ ज़रूरी विषय जिस पर आपको अपने लेख को लिखकर भेजना है, आप उसको नोट कर लीजिए, कहीं लिख के रख लीजिए, और इसमें से किसी भी एक विषय का चयन कीजिएगा और भेज दीजिएगा। लेकिन यदि आपकी इच्छा होती है कि मैं एक से अधिक विषय पर लेख लिखकर भेजना चाहता हूं या चाहती हूं, वह आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना यह होगा कि मान लीजिए कि मैं किसी एक विषय पर लेख लिख के भेज चुका हूं, लेकिन मेरी इच्छा दूसरे विषय पर भी है, तो मैं और अपने किसी साथी का सहयोग लेकर, यानी कि 2 लोग मिलकर एक लेख भेजेंगे तो भी स्वीकार किया जाएगा, या फिर 1 व्यक्ति यदि 2 लेख भेजेगा तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक विषय पर एक ही लेख को भेजिएगा। अब जो मैंने पहले कहा था आपसे कि आपको लेख भेजना है, आलेख भेजना है या शोध आलेख भेजना है, याद रखिए, लेख में आप किसी प्रकार का संदर्भ या रेफरेंसेस नहीं देते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब आप आलेख लिखते हैं तो उस आलेख का मतलब है कि जो आपको विषय दिया गया है उस पर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं। लेख में भी आपके अपने ही विचार होते हैं, लेकिन उसमें कोई रेफरेंस नहीं दिया गया होता है। और जब आप अपना आलेख भेजते हैं तो आलेख में विचार आपके निजी होते हैं, पक्ष विपक्ष अलग हटकर होते हैं, लेकिन कुछ कुछ रेफरेंसेस देने होते हैं। लेकिन जब आपसे मैं कहता हूँ कि शोध आलेख, और इस पुस्तक के लिए भी शोध आलेख ही मांगे गए हैं, इसमें आप एक निश्चित आपको जो विषय दिया है उस पर आप अपना विचार लिखेंगे, आप दिए गए विषय के पक्ष में हैं विपक्ष में हैं ये भी स्पष्ट करेंगे, आप दिए गए विषय की समीक्षा आलोचना वे भी कर सकते हैं, और यदि अपनी बात को परिपुष्ट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए आपको किसी पत्रिका की, किसी पुस्तक की, किसी उपन्यास की, किसी ई सोर्सेस की आवश्यकता पड़ती है, तब आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।
कितना करेंगे वह मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं साहित्यिक चोरी या प्लेगरिज्म के परसेंटेज के लेकर बात करूंगा इसी वीडियो में, तो मैं आगे बताऊंगा कितना यूज़ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। आप दूसरे सोर्सेज का प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग करने के साथ साथ शोध आलेख में आपको उसी जहां आप उसका प्रयोग करेंगे पैराग्राफ में उसी के नीचे सबसे नीचे पेज में दे दीजिए रेफरेंसेस। अगर वहां नहीं देने चाहते हैं तो जब आप अपना आलेख समाप्त अपना शोध आलेख समाप्त करेंगे तो अंतिम पेज पर संदर्भ ग्रंथ सूची की सूची नीचे डाल दीजिए, वहाँ भी दे सकते हैं पॉइंट करके 1, 2, 3 जो भी आपने प्रयोग किया है। ठीक है, जैसा कि एक नियम यह भी है और प्लेगरिज्म भी है कि नियमावली में साफ साफ कहा गया है कि जो भी व्यक्ति लड़का हो या लड़की हो, और इसमें कोई एज का बाउंडेशन नहीं है कि आपकी एज 20 वर्ष होनी चाहिए या 30 वर्ष होनी चाहिए या 50 वर्ष होनी चाहिए या 25 वर्ष होनी चाहिए। आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके लेख में यदि गुणवत्ता होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तो आपके लेख को स्थान भी मिलेगा और पुस्तक में प्रकाशित भी होगा। और भाषा केवल हिंदी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप रोमन इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं या फिर किसी अन्य भाषा भाषी शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका रेफरेंस देना होगा, उसका मीनिंग देना होगा, अन्यथा आपका आपका ये शोध आलेख उसके क्राइटेरिया से बाहर हो जाएगा और अप्रकाशित भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्लेगरिज्म की जहां बात रही साहित्यिक चोरी की, आप जो भी अपनी बातों को कहेंगे, दूसरे की बात का हवाला लेंगे, 30% से ज़्यादा यूज मत कीजिएगा। यदि पुस्तक को पब्लिश करने वाले प्रकाशक पब्लिशर या फिर पुस्तक के लिए जो जिन्होंने आलेख आपसे मांगे हैं वह लेखक यदि परमिशन देता है इससे ज़्यादा की संपादक, तो ये ठीक है। लेकिन यदि साहित्यिक चोरी की बात की जाए UGC गाइडलाइंस के नहीं, क्योंकि ISBN नंबर मिलना है इस पुस्तक को, तो उसी के लिए साहित्यिक चोरी का विशेष ध्यान रखा गया है, तो 30 से लेकर 34% से ज़्यादा का प्रयोग मत कीजिएगा किसी अन्य व्यक्ति विशेष के रेफरेंसेस को यूज़ करने के लिए अपने इस शोध आलेख में। ठीक है, अब आ जाते हैं विषय पर। 7 विषय संस्थान और संपादक की तरफ को आपको दिए गए हैं, उन 7 में से किसी भी एक विषय का आप चयन कीजिए अपने शोध आलेख को लिखने के लिए, और हिंदी में होगा। पहला विषय है, और जैसा कि मैंने बताया कि उपन्यास विधि का आलोचनात्मक पुस्तक निकलेगी, तो सभी के सभी विषय उपन्यास केंद्रित हैं। 7 अलग अलग उपन्यास हैं, 7 उसके विषय दिए गए हैं, विषय को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, विषय को ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और साहित्य का मैं विद्यार्थी भी नहीं हूँ वर्तमान में। पहला है आपका बंटी, एक उपन्यास है। आपका बंटी उपन्यास में बाल मनोविज्ञान, ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करना है आपको आपका बंटी नामक उपन्यास में। किसने लिखा है कमेंट करके बताइएगा। अगला है जिंदगी नामा उपन्यास में किसानों की त्रासदी, जिस लेखिका ने इसको लिखा है अभी कुछ ही दिन पूर्व उनका मृत्यु भी हुआ है 2020 में, कमेंट करके जरूर बताइएगा किनकी ये रचना है। तो किसानों की त्रासदी जिंदगी नामा उपन्यास में, यह एक विषय है। अगला विषय है राग दरबारी, बहुत बेहतरीन उपन्यास है श्रीलाल शुक्र का, ठीक है, इनका भी मृत्यु 2020 में ही हुई, सॉरी 1917 में हुई। राग दरबारी उपन्यास में भारतीय आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता, विषय को फिर सुन लीजिए, राग दरबारी उपन्यास में आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता, यानी कि जो मॉरल वैल्यूज घटती जा रही हैं आधुनिक भारतीय जीवन में, उसका व्यंग्यात्मक चित्रण इस उपन्यास में दर्ज भी है, श्रीलाल शुक्ल ने बेहतरीन तरीके से लिखा है। तो इस उपन्यास को पढ़िए, और पढ़ने के बाद लिखेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। और जो भी विषय मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि जो संपादक महोदय आपसे मांग रहे हैं, उन सभी विषयों को 21वीं शताब्दी में क्या उन सभी का रेलेवेंस, उनकी प्रासंगिकता है, यदि इससे जोड़कर अपनी बातों को कहेंगे तो बहुत अच्छी गुणवत्ता होगी आपके आलेख शोध आलेख में, और आज के पाठक उसको समझ सकेंगे। ऐसा नहीं है कि लेखक ने लिख दिया, कुछ आलोचकों ने उसके बारे में क्या क्या कह दिया, आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो वह आलेख और शोध आलेख नहीं होगा, वह खाली आपका भी नहीं कुछ लोगों का विचार भर रह जाएगा। शोध आलेख का मतलब ही होता है कि लेखक ने क्या कहा, आलोचकों ने क्या कहा, समीक्षकों ने क्या कहा, और आपने क्या समझा, क्या जाना, और उन सभी का समग्र चित्रण अपने शोध आलेख में जब आप करेंगे तो उन सभी को बोलते हैं शोध आलेख की श्रेणी का एक बेहतरीन रिसर्च पेपर। उस तरीके से अपने विषय को एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, अगला विषय है मानस का हंस उपन्यास में समकालीन सामाजिक एवं राजनीतिक दशा,
यानी कि सोशली एंड पॉलिटिकली क्या कंडीशंस हैं हमारे समकालीन कंटेम्प्रेरी दुनिया समाज में, इस उपन्यास के आलोक में जिसका नाम मानस का हंस, इस विषय को लिखना है। अगला विषय है मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास के रूप में शेखर एक जीवनी का मूल्यांकन। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास के रूप में शेखर एक जीवनी का मूल्यांकन। शेखर एक जीवनी, जीवनी नहीं, उपन्यास का ही नाम है शेखर एक जीवनी, पार्ट वन पार्ट टू में जिक्र है। दोनों भागों का उपयोग करना है या एक भाग का उपयोग करना है, इसके लिए आप दिए गए फ़ोन नंबर से कंसल्ट कर लीजिएगा। इसमें केवल लिखा है शेखर एक जीवनी पार्ट वन है पार्ट टू है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन जो कीवर्ड है इसका मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास, यानी कि एक होता है मनोविश्लेषण, जब हम जैनेन्द्र को पढ़ते हैं, अज्ञे को पढ़ते हैं, इलाचंद जोशी को पढ़ते हैं, या इलियट जैसे राइटर्स को पढ़ते हैं, रोमन लॉ को पढ़ते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ते हैं, ठाकुर को पढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों को जब हम पढ़ते हैं या हम उस व्यक्ति को पढ़ते हैं मनोविज्ञान को लेकर, जो हम फॉरन राइटर बोलते हैं, लेकिन जो शब्द है ना कि उपन्यास में मनोविश्लेषणात्मक, पहले तो आपको समझना होगा मनोविश्लेषण क्या है। मनोविश्लेषण को मनोविज्ञान से अलग करना होगा, और उन दोनों के मध्य में उपन्यास कहाँ बैठता है, कहाँ ठहरता है, और शेखर एक जीवनी क्या एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास में है या नहीं है, और आज के दौर में इसकी क्या रेलेवेंस, क्या उपयोगिता है, और आप क्या सही समझते हैं, गलत समझते हैं, इन सभी बातों को समग्र रूप में शब्दों में प्रयोगिएगा, और लेख को आलेख के रूप में परिवर्तित करके वित्त संदर्भ सूचियों के साथ, संदर्भ ग्रंथ के पॉइंट्स के साथ जरूर भेजिएगा। अगला विषय है इसमें बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में मानव मूल्य। बाण भट्ट की आत्मकथा जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, उपन्यास में मानव मूल्य, मानव मूल्य की बात जयशंकर प्रसाद के ही एक रचना है, जयशंकर प्रसाद की एक रचना कमायनी में भी की गई है मानव मूल्य की, और द्विवेदी जी के इस उपन्यास में भी मानव मूल्य की बात कही गई है। ठीक है, तो मानव के कौन कौन से मूल्य हैं, पहले तो आपको ये बताना होगा, उन मान किन मानव मूल्यों का जिक्र इस उपन्यास में किया गया है ये बताना होगा, और कौन कौन से मानव मूल्य आज के समय में घटते जा रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं, और कौन कौन से क्या किसी और नए मानव मूल्य की आवश्यकता है आज के दौर में, और इस उपन्यास को यदि रीराइट किया जाए आज के समय में तो कौन कौन से नए मानव मूल्य को स्थान दिया जाना चाहिए आपकी दृष्टि में, यदि इस नए दृष्टिकोण से इस उपन्यास का विश्लेषणात्मक अध्ययन मानव मूल्य के रूप में आप करते हैं अपने आलेख में, तो जरूर मेरा विश्वास है कि आपके आलेख को स्थान मिलेगा इस उपन्यास कृतिका नामक गवेषणात्मक पुस्तक के अंतर्गत। और अगला और लास्ट विषय है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में पारिवारिक विघटन। अब जैसा कि स्पष्ट है देवरानी जेठानी की कहानी यह एक रचना का नाम है, और यह कहानी नहीं, एक उपन्यास का शीर्षक है, और हिंदी के बेहतरीन उपन्यासों में इसका जिक्र आता है। वैसे तो इन सातों की सातों रचनाओं को यूजीसी नेट की परीक्षाओं में भी लगाया गया है अधिकांश को, और यूपीएससी की परीक्षाओं में भी इनका स्थान है, तो बेहतरीन रचनाएँ हैं, उसके ऊपर बेहतरीन विषय दिए गए हैं। संपादक के विषय में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, पब्लिक प्रकाशक के विषय में नहीं जानता हूँ, लेकिन उपन्यास के संदर्भ में विषय अच्छे हैं, आपको मौका भी है, और कुछ पैसा वगैरह भी रखा गया है, फीस वगैरह भी रखी गई है, फीस कितनी है, कैसे देनी है, क्या उसका माध्यम है, इसके विषय में दिए गए ईमेल आईडी और दिए गए फ़ोन नंबर से आप सभी लोग संपर्क कीजिएगा। संपादक महोदय का नाम दिया गया है डॉक्टर बिंद कुमार चौहान, ठीक है, डॉक्टर बिंद कुमार चौहान, इनसे संपर्क कीजिएगा, इनके कुछ फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मैं आपको दे दूंगा, उनसे संपर्क कीजिएगा, कोई जानकारी जो मैंने आपको दी उसको लेकर कुछ सवाल, कुछ जिज्ञासा हो तो ज़रूर मुझसे कंसल्ट कीजिएगा। थोड़ा सा साहित्य का या कहें कि दिल्ली विश्वविद्यालय का अनुभव है तो कुछ बता सकता हूं आपको, नहीं तो अधिकांश जानकारियों के लिए आप संपादक महोदय से संपर्क करेंगे तो आपको अच्छी से अच्छी सूचनाएं और सही सूचनाएं प्राप्त होंगी। इस 14 मिनट के वीडियो को आपने देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और वीडियो में किसी और सूचना के साथ आपसे बहुत जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। लाइक शेयर कमेंट जो करना है अपनी इच्छा और अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के अनुसार कर दीजिएगा। अगले वीडियो का वेट कीजिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, सलाम देशवासियों।